इसकी शुभकामनाएं आपको भी। सर लगभग एक हफ्ते से भी ज्यादा अंतराल के बाद दोस्त होके लौटे हैं और बड़ी चर्चाएं हैं मंत्रिमंडल गठन को लेकर, विधानसभा सेशन को लेकर, क्या कहेंगे कब तक हो पाएगा? निस्वस्थ तो क्वारंटाइन के समय बिता कर रहे थे। एक हफ्ते से मैं दिल्ली के हिमाचल सदन में पूरा अपना टाइम व्यतीत कर रहा था। पिछले कल मेरा कोरोना प्रोटोकॉल का जो समय था वो ख़त्म हुआ और मुझे तो पता तब लगा जब प्रधानमंत्री जी से मेरी 11 बजे की अपॉइंटमेंट थी। हमारे रेजिडेंस कमिश्नर ने हमारा RT-PCR का टेस्ट लिया था और उन्होंने कहा कि आपको कोरोना हो गया है, तो मेरी उनसे प्रधानमंत्री से जिससे जो मिलने की कर्टसी कॉल थी वो भी नहीं हो पाई और फिर मुझे क्वारंटाइन होना पड़ा और कल मेरे समय खत्म हुआ है। सर जिस तरह से सरकार ने पिछले 6 महीने के कामों को रिव्यू किया है उसके बाद से बीजेपी काफी आक्रामक है। आज विपक्ष के नेता चुन लिए गए हैं जयराम जी और राज्यपाल को भी एक ज्ञापन सौंपा है, मांग की गई है कि भी चेतावनी दे रहे हैं। ये इस पिछली जो सरकार थी जयराम जी की उसकी विडंबना देखिए, 4.5 साल तक ऑफिस खोलना, कहाँ खोलना, प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोलना, कहाँ खोलना, इस बारे में सोचा ही नहीं। और जब चुनावों का वक्त आया तो 590 संस्थान खोल दिए। इतने संस्थान जितने भी प्रदेश के पिछले मुख्यमंत्री रहे हैं उन्होंने भी नहीं खोले। और संस्थान कैसे खुले? प्राइमरी हेल्थ सेंटर PN के द्वारा चलाए जा रहे थे। किसके द्वारा? PN के द्वारा चलाए जा रहे थे और कईयों की नोटिफिकेशन हुई है, स्टाफ ही नहीं है, कोई भर्तियां हुई इन संस्थानों में, 590 संस्थानों में। जब इसका कैलकुलेशन किया गया कि इन संस्थानों को जब खोला जाए तो उसके लिए 3000 करोड़ रुपया की जरूरत है। प्रदेश में 75000 करोड़ रुपए का बोझ है। आपने 3000 करोड़ का प्रावधान करना था। डबल इंजन की सरकार बोलते थे, रिवाज बदलने की बात बोलते थे, आपने 3000 करोड़ का इन संस्थानों को खोलने के लिए प्रावधान करना था। अब कोई मेडिकल हेल्थ इंस्टीट्यूशन PN चलाएगा? कोई CSC एक डॉक्टर चलाएगा? ना एक्सरे की मशीन है, ना सीटी स्कैन की मशीन है, आपकी ठीक है, गवर्नेंस नाम की चीज नहीं थी। आप संस्थान खोल के राजनीतिक रोटियां तो सेक रहे थे, लेकिन लोगों ने उन संस्थानों खोलने के बाद भी, 590 संस्थान खोलने के बाद भी जनता ने आपको नकार दिया। मेरे विधायक दल की बैठक हुई, सभी 40 विधायक आए, 5 विधायकों की कमेटी बनी, हर्षवर्धन चौहान जी, संजय रतन जी, मोहनलाल ब्राक्टा जी, भवानी पठानिया जी और एक और विधायक थे, 5ों की विधायक सब ने स्टडी किया, रिपोर्ट्स मंगाएगी कितने प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, तो 30 हेल्थ सेंटर में कोई PN भी नहीं है, बाकी में कुछ जगह PN तो रखे उन्होंने। अब ठाकुर जयराम जी को अपने विधानसभा क्षेत्र में संस्थान खोलने थे, अच्छी बात थी। लास्ट के दिनों में खोलने की क्या जरूरत थी? आप वहाँ डॉक्टर भी लगाते, नर्स भी लगाते, कंपाउंडर भी लगाते, कोई नहीं लगाया। और अब जो SDM कार्यालय खोले उनकी नोटिफिकेशन हुई, SDM तक नहीं बिठाया। अब इन लोगों से ये पूछा जाना चाहिए जो सत्ता में थे कि 590 संस्थान आपने खोले हैं, ये गुनाह किया है हिमाचल की जनता पर। इन्होंने हिमाचल की जनता पर 3000 करोड़ रुपए का बोझ डालने का कार्य किया है इन लोगों ने। हम जनता की अदालत में पूछेंगे कि जब कभी कोई संस्थान खोलना हो तो क्या उसमें कर्मचारी और अधिकारियों की जरूरत नहीं होते? क्या CSC खोलनी हो, PSC खोलनी हो, क्या उसमें डॉक्टर नहीं लगने चाहिए? उन्हीं CSC से, पुराने CSC से डॉक्टर उठाकर वहां लगा दिए गए और जो पुराने संस्थान चलते थे उनको भी कमजोर कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी को इस बात का जवाब देना चाहिए। आंदोलन करने से पहले आंदोलन करिए, लोगों को ये जवाब दीजिए कि 590 संस्थान जो आपने खोले उसके लिए 3000 करोड़ रुपए का आपने डबल इंजन की सरकार से 4.5 साल पहले क्यों प्रावधान नहीं किया गया? ये बात बहुत स्पष्ट है कि सिर्फ राजनीतिक दृष्टिकोण से जो संस्थान खोले जाते हैं,
अगली सरकार पर बोझ डालने के लिए जो सरकार को खोलने जाते हैं। हमने इसीलिए कहा है, हम सत्ता सत्ता के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। हम उन संस्थानों को भी खोलेंगे, लेकिन पहले उसमें कर्मचारियों का सिलेक्शन करेंगे, नियुक्ति करेंगे और उसके बाद आगे की बात करेंगे। मुख्यमंत्री कह रहे हैं।